बहुत जल्द ही अनुपमा और दक्ष की सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? बहुत प्यार करता है। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा। तू जवाब नहीं दे रही है बेटा, जवाब दे ना। अनु बेटा मेरी चाय। पापा चाय। थैंक यू अनु। पापा हर रोज तो आप अनुपमा दीदी के हाथ से चाय पीते हैं, आज मेरे हाथ से पी लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, पर अनु कहाँ है? सुबह से अनु दिखाई नहीं दे रही। अभी सो रही है अनुपमा। सो रही है? अरे लेकिन इस वक्त तक तो वो अपनी पूजा भी खत्म कर लेती। मैं देख कर आता हूँ। मैं देखती हूँ। मैम, ये मैं दवाइयाँ डिलीवर करने आया हूँ। दवाइयाँ? हमने तो कोई दवाई नहीं मंगाई। लेकिन पता तो यही क्या था? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने कोई दवाइयाँ नहीं मंगाई हैं, इसका मतलब है नहीं मंगाई है। ओके सॉरी मैम। ओफो, बिना सही पता जाने कैसे भी आ जाते हैं। अब छोड़ो भी ना माया, जाने दो, मैं अनु को देख कर आता हूं। मॉम, I'm very sorry. पापा एकदम पगला गए हैं अपनी बड़ी बेटी अनुपमा के प्यार में। रिद्धिमा उठो बेटा, आंखें खोलो, तुम अभी तक सो रही हो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं पापा, बस सर थोड़ा भारी लग रहा है। सर भारी हो रहा है? ठीक है मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। पापा इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे अनु बिल्कुल ठीक कह रही है, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? इससे जरूरत है तो सिर्फ आराम की। आप जानते हैं ना आपकी बेटी कैसी है, पूरा दिन ऑफिस में काम करती है और फिर घर आके और काम करती है। कितनी बार मैंने इसे समझाया है मगर आप जानते हैं आपकी बेटी मेरी एक बात नहीं सुनती है। अब थकान से सर भारी नहीं होगा तो और क्या होगा? बेटा इतना काम मत किया ना। और देखो बेटा, इंसान के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम है। बिल्कुल ठीक, इसलिए मैंने आज एक फैसला कर लिया है। अनु आज बिल्कुल ऑफिस नहीं जाएगी, घर पे रहेगी और आराम करेगी। नहीं मां। और आप भी मेरी बच्ची से ऑफिस में ज्यादा काम मत कराए कीजिए, ठीक है? अच्छा भाई नहीं करवाएंगे, लेकिन इनकी जो तबीयत खराब है इसका इलाज क्या है आपके पास? इसका इलाज मैंने सोच लिया है, अनु आज ऑफिस बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है? नहीं मां, मुझे ऑफिस तो जाना ही होगा, इतना काम पड़ा है और परसों प्रेजेंटेशन भी है। नहीं नहीं अनु बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, आज तुम घर पर ही रहोगी, ऑफिस नहीं जाओगी, आराम करना है तुम्हें, आराम बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। पापा। नो अनु बस, इट्स फाइनल मैम, ठीक है? मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ठीक है?
अनुपमा, जब से ये नाम सुना है पता नहीं क्यों इस पर खुद से भी ज्यादा यकीन होने लगा है। न जाने क्यों दिल कहता है कि यही है वो जिसके इंतजार में मैंने 20 साल इस कैद में काटे हैं। वो इस घर में आएगी और इन पापियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। वो आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। कैसी उनकी तबीयत? अब आप आ गए हैं, खुद ही देख लीजिएगा आप डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर। ये तो सो रही है। हाँ डॉक्टर साहब, और इनकी इसी नींद को और गहरा करने के लिए हमने आज आपको यहाँ बुलाया है। मतलब? मतलब ये कि आज से इनकी दवा की डोज डबल कर दीजिए। लेकिन इससे तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि इससे इनकी हालत मुर्दों से भी बदतर हो जाएगी, और हम यही चाहते हैं। Let me come to the point. दक्ष की सगाई है कुछ दिनों के बाद, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये बुढ़िया वहां पे कोई भी तमाशा खड़ा करे। वैसे डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कई बार हम इन्हें दवा दे चुके हैं तमाशा करवाने के लिए, ताकि लोगों को और दक्ष को यकीन हो जाए कि ये सचमुच पागल है। लेकिन हमारा वो मकसद तो पूरा हो गया मेरा, अब हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। I can understand. ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे हराने की बात कर रही थी बुढ़िया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुना तूने बुढ़िया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मेरे मकसद और मेरे रास्ते के बीच आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं। फिर वो चाहे तू हो या फिर तेरा पोता दक्ष। मार डालेंगे वो लोग मेरे दक्ष को, तो कुछ करती क्यों नहीं? कहते हैं कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हें क्या समझू, ये सब जो हो रहा है वो तेरी मर्जी से हो रहा है, और अगर नहीं है तो मदद कर मेरी माँ, मदद कर ताकि मैं इन पापियों का नाश कर सकूं, अपने बेटे दक्ष को बचा सकूं। मुझ में शक्ति दे माँ, मुझ में शक्ति दे, शक्ति दे। सारे फिगर्स टैली कर लिए है ना? यस सर। गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग दक्ष। अरे भाई सुबह सुबह आओ बैठो। कैसे आना हुआ? जी अंकल, मैं वो हमारे नए ब्राइडल कलेक्शन की मीटिंग के लिए आया था। लेकिन वो मीटिंग तो कल है ना, क्यों गुप्ता जी? जी हाँ सर, वो मीटिंग कल ही होनी है। आई नो अंकल की मीटिंग कल है, पर मैंने सोचा कि बायस के साथ मीटिंग करने से पहले क्यों ना हम सारी डिटेल्स एक बार फिर से डिस्कस कर ले। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं मीटिंग। तो शुरू करें?
अनुपमा नजर नहीं आ रही अंकल, उसे भी बुला लेते हैं ना। लेकिन आज तो अनु नहीं आया बेटा। क्या आई मीन क्या फर्क पड़ता है अंकल, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग हैं ना। गुप्ता जी आप चलिए, हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। पर अंकल वो मीटिंग, क्या तुम वाकई मीटिंग के लिए आए थे दक्ष जी, या अनुपमा से मिलने आए थे? जी अंकल आई स्वेयर आप जो समझ रहे, आई मीन आप जो कह रहे वो सच है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अनु से मिलना चाहते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम जब चाहो अनु से मिल सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं, और वो भी बिना किसी बहाने के। आप सच कह रहे हैं अंकल? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अनुपमा को अभी फोन करके भी कह देता हूँ कि तुम उससे मिलना चाह रहे हो, वो तैयार रहे, तुम उसे बाहर ले जाना चाहते हो, उसे पिकअप करने जा रहे हो। थैंक यू अंकल, बाय अंकल। अरे अरे भाई संभाल के। पुत्र और ये क्या कर रही है पुत्र, आए ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता पुत्र, चंगा नहीं होता सेहत के लिए पुत्र। मैं क्या करूं नानी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी अपनी मॉम इतनी आसानी से उस अनुपमा के सामने घुटने टेक लेगी। और रिद्मा पुत्र तो बिल्कुल ठीक कहती है, आहो राम चूट ना बुलाए है न माया से हमें, वैसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि हमारी जानी दुश्मन इस मनुष्य अनुपमा के साथ इतनी जल्दी सीज फायर कर देगी। ऐसे माया पुत्र तूने ना हम दोनों के साथ ना चंगा नहीं किया, धोखा दिया तूने हमें, रिद्मा पुत्र का गुस्सा जो है ना बिल्कुल जायज है। देखना माया पुत्र देखना, तुझे अपनी इस माँ की और अपनी इस बेटी की लगेगी हाय। बस करो, अरे एक नालायक बेटी की माँ हूँ ये मुझे पता था, मगर एक बेवकूफ माँ की बेटी हूँ ये अभी पता चला है मुझे। अरे आप लोगों को क्या लगता है मैंने अनुपमा को इस घर में उसकी सेवा करने के लिए रोका है क्या? तो फिर किस लिए रोके है उसको? देखो मॉम मेरी ड्रेस, अनु अनु बेटा, अनु बेटा। जी माँ। बेटा मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुझे आराम की जरूरत है, मगर क्या करूँ, पता नहीं कैसे मुझसे कॉफी गिर गई इस पे। बेटा अगर तू बुरा ना माने तो कोई बात नहीं माँ, मैं धो देती हूँ। थैंक यू बेटा। अब बोलो। गुड जॉब गुड जॉब। हेलो, हाँ जी जी, ठीक है जी, बाय बाय। मॉम क्या हुआ, किसका फोन था? तेरे पापा का फोन था। दुमा जी का क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अनुपमा को अच्छी तरह से तैयार कर दो क्योंकि दक्ष आ रहा है उसे बाहर ले जाने के लिए। ओह माय गॉड मॉम, और मेरी ड्रेस पर आपने जो कॉफी गिरा दी उसको कौन धोएगा? कौन धोएगा से क्या मतलब, तू धोएगी और कौन धोएगा? यू मस्ट बी किडिंग, मैं नहीं धोने वाली। आपका महान आइडिया था ना उस पर कॉफी गिराना, आप ही धोना उसे।
में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवा। क्यों नहीं रहे? कब से देख रही हूं आप ऐसे ही मुझे देखे जा रहे हैं और yes! घबराइए मत। देखिए आप कहीं मुझे पागल तो नहीं समझ रही ना? मैं पागल नहीं हुआ हूं, मेरा सिर्फ दिमाग खराब हो गया खुशी के मारे। एक्चुअली जब भी हम मिलते हैं ना आप कभी कुछ नहीं बोलती, मैं ही हमेशा बड़बड़ बड़बड़ बड़ करता रहता हूँ। सो इस बार मैंने कसम ली थी कि मैं इस बार कुछ नहीं बोलूंगा जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगी। अब मैंने अपनी कसम पूरी कर ली। यस 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 प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो मेरे साथ। क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? भगवान के लिए तुम ऐसा? भगवान के पास तो पहुंचाने आए हैं आप खुदाई। आप इस इंजेक्शन से मरेंगे, जरूर मरेंगे, पर धीरे धीरे, स्लोली।